हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम साग बना रहे हैं, इसे हम लोला कहते हैं हमारे यहाँ, और कहीं कहीं से नोनिया बोलते हैं। तो आज हम इसका साग बनाने वाले हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। तो अगर आप इसका और कोई नाम जानते हैं तो ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से हमने तोड़ कर लिया है और इसे हम धुल लेंगे और काटेंगे। तो ये देखिए, तो इसे हम धुलेंगे और काट लेंगे और लगाएंगे तड़का। तुमने लिया है सरसों का तेल और इसमें डालेंगे लहसुन और इसे थोड़ा पकने देंगे, फिर डालेंगे हरी मिर्च। तो जब तड़का पक जाए तो फिर अभी प्याज डालेंगे और जो काट कर हमने साग रखा था साग को डालेंगे। तो प्याज को डाला है, बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स करना है, फिर उसके बाद डालेंगे साग को। तो ये देखिए, साग को मैंने धुल कर काट लिया है, इसे डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं भूनते हुए। और फिर इसे हम ढक कर 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आँच धीमा ही रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे पके, जले नहीं, और ये जल्दी पक कर तैयार भी हो जाता है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ढककर छोड़ दिया है। तो अभी देखिए 5 मिनट बाद अभी इसमें हम इसको एक बार चलाएंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो धीमे आंच पर ही पकाना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, मोटी रोटी और चावल के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मिले तो आप लोग ज़रूर एक बार बना कर खाइए और देखिए आपको कैसा लगता है। तो मैंने नमक डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम धीमे आंच पर ही ढककर पकाएंगे अच्छे से पकने तक। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये पक चुका है, इसे बस 1-2 मिनट और ऐसे ही चलाते हुए सुखा लेंगे। तो ये साग बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।